केमिस्ट्री में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें अब आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट, जैसे कि NaCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इतने हमारे सिलेबस में सॉल्ट हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं जिनकी हमें प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस देखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपाउंड से, NaCl से। देखते हैं इस लेक्चर में कितने कंपाउंड्स कवर हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं NaCl से। तो देखिए NaCl को बोलते क्या है, इसका नेम क्या है? इसका नेम है सोडियम क्लोराइड। और ये हमें कहां से मिलता है? तो ये हमें सी वाटर से मिलता है। सी वाटर में इसका परसेंट कितना है? इसका परसेंट होता है 2.7 to 2.9% NaCl प्रेजेंट होता है। यदि आप बाय मास देखें तो 100 ग्राम में 3 ग्राम क्या प्रेजेंट होता है? NaCl प्रेजेंट होता है। बहुत सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सी वाटर। फिर हम इसको बनाते कैसे हैं? तो हम इसको बनाते हैं एवोपोरेशन से। ये तो सभी को पता होता है ड्यू टू दाढ़ी मार्च, है ना, कि हम क्या करते हैं, ये जो वाटर है इस वाटर को में से हम एवोपोरेट करवा देंगे वाटर के पार्टिकल को, तो हमें क्रिस्टल्स किसके मिल जाएंगे? NaCl के हमें क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। लेकिन आफ्टर एवोपोरेशन हमें जो NaCl के क्रिस्टल्स मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्रूड सॉल्ट। क्रूड सॉल्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या होती हैं? इम्प्यूरिटीज होती हैं। तो इस इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? हम ये जो क्रूड सॉल्ट है, इस क्रूड सॉल्ट में को वाटर में, वाटर के कुछ अमाउंट में इस क्रूड सॉल्ट को हम डिजॉल्व करते हैं। तो क्या होगा कि जो इनसॉल्युबल, या आपने क्रूड सॉल्ट लिया, इसमें आपने वाटर डाला, तो क्या होगा कि जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है वो इसमें सेटल डाउन हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर लेंगे? इसको फिल्टर कर लेंगे। तो फिल्टर करने पर जो कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होगी वो आपकी ऊपर बढ़ जाएगी और जो आपको फिल्ट्रेट मिलेगा, ठीक है, उस फिल्ट्रेट को फिर आप क्या करते हैं, उसमें भी अभी कुछ इम्प्योरिटीज होगी, तो वो जो आपको फिल्ट्रेट मिलता है उस फिल्ट्रेट में आप HCl गैस को पास करवाते हैं। तो HCl गैस को पास करवाने से ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? आपके जो फिल्ट्रेट का सॉल्यूशन है रखा हुआ यहाँ पर, वो सैचुरेटेड हो जाता है। आप उसको सैचुरेटेड बना देते हैं HCl गैस से। फिर क्या होता है कि इसके अंदर होगा कॉमन आयन इफेक्ट। एक इफेक्ट काम करता है जिसको कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्रिस्टल्स आपको किसके मिल जाएंगे? NaCl के आपको क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, व्हाइट क्रिस्टल्स, व्हाइट NaCl क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। फिर भी इसमें देखिए ये जो क्रूड सॉल्ट होता है ना, क्रूड सॉल्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें एक तो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, CA2, CA3, PO4 टेकन ट्वाइस, और मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है और कैल्शियम क्लोराइड, ये प्रेजेंट होते हैं इसमें, और भी ETC और भी इम्प्योरिटीज होती हैं। तो ये आप इतनी प्रोसेस करते हैं, तो इतनी प्रोसेस करने पर क्या हो जाता है कि ये व्हाइट क्रिस्टल्स आपको NaCl के मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें किसकी इम्प्योरिटीज रह जाती है? इसमें MgCl2 मतलब मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के जो क्लोराइड्स, ठीक है, क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर
रिमेन इन इन द NaCl क्रिस्टल्स. तो भी इसमें बन जाते हैं. और ये जो NaCl है कहीं कहीं पर ये डिपॉजिट फॉर्म में भी होता है, ठीक है. तो इसकी माइंस के थ्रू भी ये हमको डिपॉजिट फॉर्म में भी ये मिलता है. और लार्जली जो बनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड में, वो किससे बनाया जाता है, वो सी वाटर से ही प्रिपेयर किया जाता है NaCl. ये जो NaCl होता है ये सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है. एक इस फॉर्म में भी मिलता है, सॉलिड फॉर्म में भी, डिपॉजिट सॉलिड फॉर्म. और जब ये डिपॉजिट सॉलिड फॉर्म में मिलता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं. रॉक सॉल्ट, जो ब्राउन सॉल्ट होता है रॉक सॉल्ट, वो डिपॉजिट फॉर्म में मिलता है. तो उसमें NaCl तो होता है लेकिन उसके साथ में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है, बहुत सारे और सॉल्ट होते हैं दूसरे, इसीलिए उसका टेस्ट भी थोड़ा अलग होता है. आपको पता होगा ना रॉक सॉल्ट क्या होता है, ब्राउन सॉल्ट जो होता है उसी को रॉक सॉल्ट बोलते हैं. इसके बाद हम NaCl की प्रॉपर्टीज देखते हैं. तो NaCl जो होता है, NaCl को हम प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl में, NaCl को हम क्या भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं. ये कैसा होता है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्युबल. और ये वॉटर में रीडली सॉल्युबल इन वॉटर. वॉटर में ये जल्दी से ही क्या हो जाता है, सॉल्युबल, जल्दी से ही मिक्स हो जाता है. इसका जो पीएच होता है, क्योंकि NaCl जो बनता है वो किससे बनता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, इसीलिए इसका जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है. मतलब इसका जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है, 7. ये सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्ट है. इसके बाद हम देखते हैं NaOH को. और ये जो NaCl है ना, NaCl आर इंपॉर्टेंट raw material for various chemicals. ये यहाँ पर आपको जो NaCl है, NaOH है, भी कंपाउंड है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, तो इन सबकी प्रिपरेशन में, ब्लीचिंग पाउडर, इन सबकी प्रिपरेशन में किसको यूज किया जाता है, इस NaCl को यूज किया जाता है, ठीक है. पीओपी में नहीं, बाकी इनमें तो किया जाता है. तो अब हम इसके बाद भी यहाँ पर NaCl रखना है, इसके बाद हम देखते हैं NaOH. नेक्स्ट हम NaOH को देखते हैं. तो NaOH जो होता है इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और इसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं. और ऐसे जो KOH होता है ना, KOH को हम कास्टिक पोटाश भी बोलते हैं. तो इसके हम प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है. तो NaOH जो है इसे NaCl से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है. NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसको क्या बोला जाता है, इसको ब्राइन बोला जाता है, ठीक है. इसको ध्यान रखना कि यदि कहीं पर ब्राइन लिखा हुआ है इस ईयर, नेक्स्ट ईयर, कभी भी, तो ब्राइन का मतलब क्या होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl. तो ब्राइन से ये प्रिपेयर किया जाता है, मतलब जो NaCl का सॉल्यूशन होता है, ये NaCl का एक्वस सॉल्यूशन वाटर में बना है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl कॉल्ड ब्राइन. तो ये NaCl के अंदर क्या है, वाटर, ठीक है. मतलब वाटर में NaCl है. इस पर जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या बनता है, तो NaOH बनता है, Cl2 बनता है, और क्या बनती है, H2 गैस बनती है. ये तो गैस होती है दोनों, और ये एक्वस फॉर्म में होता है. तो देखिए, यदि कोई भी आयनिक कंपाउंड, कभी भी आप ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो कि वाटर के अंदर जाने पर आयन्स को दे देते हैं,
वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। और आगे आप पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ेंगे। तो ये जो आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaOH एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें दो आयन है। तो जैसे ये वाटर के अंदर जाते हैं तो वाटर में हमेशा कभी NaOH जैसे NaOH के फॉर्म में नहीं रहता, ये इसके आयन के फॉर्म में रहता है, Na प्लस एंड OH माइनस आयन इसके फॉर्म में वो रहता है। तो ये दोनों जब आयन साथ में होते हैं तो आप उसको NaOH मानेंगे। देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस कैसे हुई, आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में आपने ब्राइन सॉल्यूशन को लिया, मतलब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, ब्राइन सॉल्यूशन, और इसमें आपने दो इलेक्ट्रोड लगाए, दो इलेक्ट्रोड की रॉड लगाई, इसका पाथ कंप्लीट किया, इलेक्ट्रिक पाथ, आप देखिए आप क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, ठीक है, बैटरी के थ्रू आप इस रॉड को क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इसमें एक रॉड जो होती है माइनस, मतलब ये जो माइनस की रॉड होती है उसको आप कैथोड बोलते हैं, और जो प्लस वाली रॉड होती है उसको आप क्या बोलते हैं, एनोड। ये दो रॉड है इसमें, प्लस माइनस, इसके अंदर सॉल्यूशन कौन सा भरा हुआ, NaCl। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वैसे भी ये एक्वस सॉल्यूशन है तो आयन तो पहले ही बन गए होंगे, तो आयन कौन कौन से होंगे इसके अंदर, Na प्लस और Cl माइनस आयन, एक्वस सॉल्यूशन में तो आयन प्रोड्यूस करता है, और साथ में वाटर भी आयनिक फॉर्म में होता है, H प्लस एंड OH माइनस आयन के फॉर्म में होता है। अब आप जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये आयन क्या होने लगेंगे, मूव होने लगेंगे, अपनी अपोजिट चार्ज वाली जो रॉड है उस पर ये मूव करेंगे। जैसे जो केटायन होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव रॉड पर जाएगा क्या, सेम चार्ज कभी सेम रॉड पर नहीं जाते, अट्रैक्ट नहीं करते, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, नेगेटिव रॉड पर, और नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पर, ठीक है। तो हम एक एक करके इनकी रिएक्शन देखते हैं, पहले हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन एट एनोड या रिएक्शन एट कैथोड, क्या रिएक्शन हो रही होगी वो देखते हैं। तो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, देखिए इस पर आयन कौन से आएंगे, इस पर आएगा Cl माइनस आयन आएगा इस पर, ठीक है, सॉरी कैथोड माइनस, इस पर कौन सा आयन आएगा, Na प्लस। तो जब ये इसके पास आएगा तो वहां से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखिए केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है कि वहां पर उतने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना, और ये रॉड जो है हमारी ये कहां जा रहा है, कैथोड पर, मतलब ये माइनस की रॉड है ना, तो केमिस्ट्री में माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है इस रॉड पर, तो ये इस रॉड पर जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन को लेंगे। देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ इस इक्वेशन को समझने के लिए, कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है, आपने नाइन्थ में फॉर्मेशन ऑफ आयन पढ़ा होगा, एटम जो होता है वो किस नेचर का होता है, न्यूट्रल नेचर का, क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है, निकल जाए, जब ये अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो अभी उस एटम पर क्या पड़ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो कौन सा आयन बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि यदि ये एटम अभी न्यूट्रल है, दोनों बैलेंस है, यदि ये इलेक्ट्रॉन को ले ले, ठीक है, यदि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर ये न्यूट्रल रहेगा कि नहीं, अभी दोनों बैलेंस है, जैसे ये पांच है तो ये भी पांच ही होते हैं एटम के, लेकिन यदि एक्सेस में ले लिया, छठवां इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अभी बताइए कि पॉजिटिव चार्ज कम हो गए और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो आयन आपका कौन सा बनता है, नेगेटिव आयन बनता है, तो प्लस चार्ज लिखा हुआ है मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, ठीक है। यदि आप उसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो वापस से एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, इस रॉड पर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और ये Na में कन्वर्ट हो जाता है। फिर भी क्योंकि ये सॉल्यूशन में है, अभी वाटर में है, तो ये Na प्लस के फॉर्म में ही वहां पर रहता है, ठीक है। इस रॉड के नीचे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या मिलती है, Na की मेटल मिलती है। अब यहाँ पर दूसरा आयन हमारा कौन सा है, पॉजिटिव आयन H प्लस है, तो H प्लस इस रॉड पर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एटम तो कभी सिंगल रहते नहीं है, तो यहाँ से यदि आपने दो H प्लस ले लिए तो दो H प्लस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, टू इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर H प्लस H मतलब दो H होंगे बनेंगे, तो वो दोनों कंबाइंड होकर किसको बना लेंगे, H2 गैस को रिमूव करेंगे,
आप इसके बाद क्या लिबरेट हो गई हमारी कैथोड पर, क्या लिबरेट हो रही है H2 गैस कहाँ लिबरेट हो रही है कैथोड पर। जब आप NaCl का या ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे शॉर्ट में कि आपको कैथोड पर कौन सी गैस मिलती है, एनोड पर कौन सी गैस मिलती है, तो कैथोड पर कौन सी गैस मिलती है H2। ठीक है, इसके बाद हम एनोड रिएक्शन देखते हैं। एनोड रिएक्शन, एनोड है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें कौन से आएंगे नेगेटिव आयन आएंगे, तो क्लोरीन आएगी पहले तो। अब ये इस पर माइनस आयन है मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या करेगी पॉजिटिव वाली रॉड, पॉजिटिव मतलब क्या होता है जहां पर भी पॉजिटिव है मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और इसके पास ज्यादा है, तो ये क्या करेगी उस रॉड पर जाकर एक इलेक्ट्रॉन को दे देगी। ठीक है, तो जब कभी कोई चीज रिलीज होती है ना तो उसको हम कहां लिखते हैं राइट साइड में, और कुछ ऐड होता है तो कहां लिखते हैं लेफ्ट साइड में। इसीलिए ये अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब रिलीज किया तो मैंने इसको लिखा राइट साइड में और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये सीएल में। तो कभी भी ये ऐसे एटॉमिक फॉर्म में तो रहते ही नहीं है, है ना, एटॉमिक फॉर्म किसी भी एलिमेंट की एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उस कंडीशन में ये जो सीएल माइनस आयन है इसके आप दो एटम ले लीजिए, है ना, तो यहाँ पर ये क्या लिबरेट हो जाएगी सीएल टू, और कितने इलेक्ट्रॉन एक सीएल एक इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर रहा है तो दो सीएल माइनस आयन दो इलेक्ट्रॉन को उस रॉड पर लिबरेट कर रही है, मतलब सीएल टू गैस आपकी कहाँ लिबरेट हो रही है एनोड पर, तो एनोड पर आपको क्या मिलती है सीएल टू गैस मिलती है। अब इसके बाद देखिये यहाँ पर एक और नेगेटिव आयन आपका कौन सा है OH माइनस आयन है ना, तो OH माइनस आयन एनोड पर जैसे ही आएंगे तो ये Na मेटल के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर लेंगे, ये NaOH को फॉर्म करते हैं, मतलब कि आपको NaOH कहाँ मिलता है जिसके हम प्रिपरेशन मेथड देख रहे थे, तो NaOH आर फॉर्म नियर एनोड रॉक, एनोड रॉड के पास आपको क्या मिलेगा NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH आर फॉर्म नियर एनोड रॉड, ये इसकी प्रिपरेशन मेथड होगी। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH देखते हैं, अभी हमने प्रिपरेशन पढ़ा अभी प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो प्रॉपर्टीज इसकी फर्स्ट क्या है कि ये भी व्हाइट होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड व्हाइट सॉलिड क्रिस्टलाइन, डेलिक्यूशियंट सॉलिड होता है। ठीक है, ये कैसा सॉलिड होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन डेलिक्यूशियंट सॉलिड होता है, इसका मतलब मैं अभी बताती हूँ कि डेलिक्यूशियंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, दूसरा कि ये रीडली सॉल्युबल होता है, इट इज रीडली सॉल्युबल सॉल्युबल इन वाटर एल्किलाइन हो गई और ये वॉटर में डिजोल्व हो गए, है ना, और तो हम इसको क्या बोलेंगे एल्किलाइन बेस भी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन है तो इट न्यूट्रलाइजेज एसिड, ये बेस है लेकिन इसको न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को, है ना, न्यूट्रलाइजेज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर, जैसे ये NaOH है ये रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ या HCl के साथ और ये क्या फॉर्म करेगा NaCl प्लस H2O को फॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे NaOH लिया आपने ये रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ बनाएगा KNO3 सॉरी NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का सॉल्ट बनाएगा वाटर रिलीज करेगा। ठीक है, इसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है डिलिक्यूशियन मतलब क्या होता है। ठीक है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिलिक्यूशियन NaOH आर मीनिंग होता है कि दे एब्जॉर्ब, ये डिलिक्यूशन का मतलब ये होता है कि जो मॉइस्चर होती है मॉइस्चर में से मतलब जो एयर होती है उसमें से मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद ये खुद क्या होने लगते हैं पिघलने लगते हैं।
तो उसको बोलते हैं डीडी क्यूशी. दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर. और क्या होता है ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर. एनिमल्स एब्जॉर्ब CO2. क्या होता है कि पहले तो ये एयर को, यदि आपने इसको इसके बॉक्स को खुला रख दिया ठीक है, तो ये एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और ये पिघलने लगता है ठीक है. तो क्या होता है कि ये ऐसे यदि पार्टिकल्स होते हैं ना अलग 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 अलग, तो फिर ये क्या हो जाते हैं ऐसे इनका शेप बिगड़ जाता है और ये इनका ऐसा बंच बन जाता है ठीक है. आप कभी लैब में जाएंगे तब देखेंगे आपको पता चलेगा. और यदि बहुत लंबे समय तक ये एयर के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि उस एयर में से CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे. पहले तो वो सिर्फ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे थे वाटर को, अभी वो CO2 को भी एब्जॉर्ब कर लेता है ये NaOH और अपने ऊपर एक सरफेस बना लेता है Na2CO3 ठीक है, व्हाइट सरफेस बन जाती है उसके अंदर, इसकी थिन सरफेस Na2CO3 की बन जाती है. NaOH absorbs CO2 resulting in the formation of sodium carbonate at the surface of NaOH. ये जो सोडियम कार्बोनेट आपको मिलता है Na2CO3 सीओ थ्री, ये व्हाइट क्रस्ट ऑफ किस फॉर्म में होता है, व्हाइट क्रस्ट ऑफ सॉलिड हाइड्रेटेड. हाइड्रेटेड बता दें मैंने, हाइड्रो एक्वा एक्ो ऐसे वर्ड जहां भी लिखा हुआ था, मतलब उसका मतलब किससे होता है, वाटर से होता है. वाटर के पार्टिकल है ना इसके साथ है ना, तो ये Na2CO3 जो है वो क्रस्ट ऑफ सॉलिड हाइड्रेटेड होता है. किसकी सरफेस पर, NaOH की सरफेस पर होता है ठीक है, मतलब H2O के पार्टिकल के साथ होता है. इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट इज इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज सोपी टू टच. आपको सोप को लगाने के बाद हाथ में कैसे फील आती है, वैसे इसके एक्वा सॉल्यूशन यदि आपके हाथ में गिर जाए लग जाए तो वैसे ही लगता है आपको, सोपी टच लगता है ठीक है. एंड हैज कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन, एक्शन ऑन स्किन मतलब कि अभी वो हैंड अभी तो लग गया आपका सोपी सॉल्यूशन ठीक है, इसका एनी वजह लेकिन उसके बाद जिस सरफेस पर लगा है ना वो सरफेस जो होती है वो निकलने लगती है ठीक है. थोड़े टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा, आप यदि उस पर ऐसे नेल्स को चलाएंगे तो वो पूरी स्किन से निकल, ऊपर की जो स्किन होती है ना हार्ड वाली थोड़ी थोड़ी निकलने लगती है ना. तो वो डिपेंड करता है कि कितना हाईली कंसेंट्रेटेड है, डायल्यूट है तो थोड़ी निकलेगी और बहुत ज्यादा है फिर तो वो कोरोसिव है ही ना. तो ये कोरोसिव होता है क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका तो डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कैसे बिहेव करेगा, हाईली कंसेंट्रेटेड होगा इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन क्योंकि इसमें कंप्लीट आयनाइजेशन होगा, ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. इसके बाद इसका सिक्स्थ पॉइंट है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH कंटेन्स लार्ज हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं ना, उसको हाइड्रोक्साइड आयन, तो लार्ज ओ एच माइनस आयन है ना. अब ये क्या करेगा, इसके सॉल्यूशन में कंसेंट, इसके यदि आप डाइल्यूट सॉल्यूशन भी लेंगे तो उसके अंदर भी ओ एच माइनस आयन की कंसेंट्रेटेड बहुत ज्यादा, कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है. तो क्या होता है कि ये NaOH जो है वो जैसे आपने एक सॉल्ट लिया, किसी मेटल का सॉल्ट लिया जैसे आपने AlCl भी लिया, तो यदि ये NaOH किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है इसका एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पर Na प्लस एंड OH माइनस आयन है और इसके अंदर यदि कोई मेटल के भी आयन है जैसे Al3 प्लस के आयन ठीक है, या फिर जैसे इसके अंदर Fe
2+ के आए हैं और इसके साथ है Na+ एंड OH- आयन, तो ये तुरंत क्या कर देता है कि उस मेटल का हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देता है। ये NaOH क्या करता है, देखिए यहाँ से दो आयन बनेंगे, एक Al3+ बनेगा और Cl-, और यहाँ से Na+ एंड OH- आयन बनेंगे। तो तुरंत ये क्या करता है कि इस मेटल का क्या फॉर्म कर देता है, हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है, PPG ऑफ व्हाइट सॉलिड एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ क्या बनेगा, यहां पर इसके साथ बन जाएगा NaCl, आयन एक्सचेंज होंगे ना pH के साथ और एच के साथ, NaCl बन जाता है। मतलब कि यदि एक्वस सॉल्यूशन में NaOH है तो और उसके साथ यदि कोई मेटल प्रेजेंट है तो वो तुरंत उसको उसके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो लार्ज OH- आयन प्रेसिपिटेट इन सॉल्यूबल मेटल हाइड्रोक्साइड फ्रॉम सॉल्यूशन कंटेनिंग मेटालिक आयन। देखिए ये इनसॉल्युबल है ना, पीपीटी का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, वो सॉल्युबल ही होता है, इसलिए उसका क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बनता है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये NaOH की प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद हम यूजेस देखते हैं इसके, यूजेस ऑफ NaOH। तो NaOH का सबसे बड़ा लार्ज यूज ये है कि इसको पेपर बनाने में यूज किया जाता है, इसको सोप एंड डिटर्जेंट, ये तो बेसिक नीड है, सोप और डिटर्जेंट की डिमांड कितनी ज्यादा है, उसका कितने लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है, तो वो उसमें ये उसका रॉ मटेरियल होता है NaOH, है ना। तो सोप उसमें रिक्वायर्ड, सोप एंड डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है उसकी प्रिपरेशन में किया जाता है, और बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जिनको बनाने में NaOH का यूज किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड्स में, एक बॉक्साइड्स होता है Al2O3, एल्यूमिनियम का एक और होता है, तो उसके भी प्यूरिफिकेशन में इसको किया जाता है, मतलब जो एल्यूमिनियम जहां बनती है ना वहां पर इसका यूज किया जाता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मर्सिंग कॉटन फैब्रिक्स, देखिए कॉटन फैब्रिक जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में और उसमें लश्चर मतलब कि उसको टाइट बनाने, टाइट और शाइनी बनाने में भी किसका यूज किया जाता है, NaOH का यूज किया जाता है। मर्सराइजिंग जो वर्ड दिया हुआ है उसका मतलब क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है, तो इसका मतलब यही है कि जो फैब्रिक होता है उसको NaOH से ट्रीट कराना, इसकी स्ट्रेंथ और लश्चर बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज किया जाता है जैसे कुछ मशीन्स होती है या मेटल शीट होती है तो उसकी क्लीनिंग में भी इसका यूज किया जाता है, उनको यदि क्लीन करना है तो NaOH का सॉल्यूशन डाल दीजिए तो वो जो ग्रीसिंग मेटल्स होती है, मतलब कुछ मेटल्स ऐसी होती है ना आपने देखा होगा मशीन्स के अंदर उनमें ग्रीस लग जाता है, तो NaOH डाल दीजिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन डालते हैं तो ग्रीस निकल जाता है। जो ऑयल एंड फैट्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है, और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये यूज थे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।